इन्होंने पढ़ा है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आपका बेस्ट एसएसटी कॉम्बिनेशन बन रहा है। एसएसटी के साथ आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन ये क्या है होता, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट लाजमी है, तो मैं बीएड में कौन सा सब्जेक्ट ऐसे करूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो आप एसएसटी फिजिकल एजुकेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन एसएसटी सब में है, पर फिजिकल एजुकेशन सर एक सभी कॉलेज में नहीं है, प्रेफर कॉलेज नहीं, ये कॉम्बिनेशन कीजिए। बाकी अगर आप नज़दीक कॉलेज जाना चाहते हो तो आप एसएसटी पंजाबी और एसएसटी इंग्लिश ले सकते हैं। एसएसटी पंजाबी और इंग्लिश आपने अगर ले लिया तो आपको बाद में एडिशनल पेपर पंजाबी का देना पड़ेगा, बीए का इलेक्टिव का, बीए इलेक्टिव। अगर इलेक्टिव आपने नहीं पढ़ी, इलेक्टिव पंजाबी आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर इंग्लिश लेते हो तो वो भी आपको एडिशनल बीए का इलेक्टिव इंग्लिश का देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेते हो तो आपको कोई भी नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 3 साल आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपका कंप्लीट है, बेस्ट कॉम्बिनेशन इसलिए आपका एसएसटी और फिजिकल एजुकेशन बनता है, इसको ही चूज़ कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट एमए करने का कुछ और है, आप पंजाबी एमए करना चाहते हो तो आप फिजिकल को छोड़ के पंजाबी की तरफ आ सकते हो। अगर एमए इंग्लिश करना चाहते हो तो फिजिकल को छोड़ के एसएसटी के साथ इंग्लिश में आ सकते हो। दैट इज़ ऑल, लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह।